मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर के मेडिकल स्टाफ को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं और मेरी पत्नी 28 जनवरी 2022 को शाम को 6 बजे यहाँ पे आए थे। पत्नी को कुछ समस्या हो गई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी 8 महीने की। उसके बाद में जैसे ही तकलीफ बढ़ती गई हम यहाँ लेके आए, जयपुर लेके आए। पहले झुन्नू दिखाया था, उसके बाद में झुन्नू वालों ने ये कहा कि आप इसको जयपुर ले जाइए, क्रिटिकल मामला है। यहाँ आए 28 तारीख को तो मामला गंभीर था, एमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। उसके बाद में जांच शुरू की गई और उसके बाद में सभी स्टाफ ने मिलके और मैडम आरती महिला को बुला के उससे भी डिस्कस किया। उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो बेबी हैं पेट के अंदर, हालांकि स्वस्थ हैं लेकिन उनका बाहर आना ज़रूरी है, इसलिए इनका ऑपरेशन से इनकी डिलीवरी करवानी पड़ेगी। और 29 जनवरी 2022 को सीजेरियन डिलीवरी करवाई गई। उसके बाद में तुरंत पत्नी को वेंटिलेटर पर लिया गया। डॉक्टर रविकांत पोरवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मामले में कि उन्होंने केस को संभाला। वेंटिलेटर पे तीसरे दिन ही 1 तारीख को वेंटिलेटर से हटा के और जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। तो विभिन्न प्रकार की जो जांचें करवाई गई डॉक्टरों के द्वारा, उनमें ये पाया गया कि सुनीता का जो हार्ट है वो 20-25% काम कर रहा है, किडनी में संक्रमण है, फेफड़ों में पानी भरा हुआ है और प्लेट से लगभग घटके 12,000-13,000 के समथिंग आ गई थी। तो उसके बावजूद भी और डॉक्टरों ने की टीम ने मिलके और अच्छा सा इलाज किया इनका और आज लगभग 1.5 महीना हो चुका है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। एक बार पुनः मैं मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मैडम आरती महिला, रविकांत पोरवाल जी और अरुणा मैडम का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद।